Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. Today we will start the Treaty of Versailles, June 1919. If you have not seen the other parts, please go and watch it. Treaty of Versailles, June 1919. The most important peace treaty was the Treaty of Versailles. Britain, France and America signed this peace treaty with Germany on June 28, 1919. It contained many terms that were unacceptable to Germany, but the three countries threatened to mount a joint attack on Germany if it did not accept these conditions. A hapless Germany, a hopeless Germany, was thus forced to sign the treaty. Let us take a look at its main terms. देखिए जो पीस ट्रीटीज वॉर कैंप पे जो पीस ट्रीटीज साइन की गई थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटी थी आपका ट्रीटी ऑफ वर्सलीस जो कि ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका इन सारे कंट्रीज ने जर्मनी के साथ में साइन किया था जून 28, 1919 में. इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स और कंडीशंस थे जो कि जर्मनी को अनएक्सेप्टेबल थे, लेकिन फिर भी ये जो तीनों कंट्रीज हैं ब्रिटेन फ्रांस और अमेरिका, ये तीनों कंट्रीज ने जर्मनी को थ्रेटन किया, ठीक है, धमकाया कि अगर वो इस कंडीशंस को नहीं मानेंगे तो वो तीनों कंट्रीज एक साथ मिलकर जर्मनी के ऊपर जॉइंट अटैक कर देंगी. तो जर्मनी के पास में कोई और ऑप्शन नहीं बचा था यहाँ पर, तो उसने भी ट्रीटी जो है वो साइन कर दी थी. देखते हैं ट्रीटी के मेन पॉइंट्स क्या क्या थे. जर्मनी एंड इट्स अलाइज हैड टू एक्सेप्ट द गिल्ट फॉर स्टार्टिंग द वॉर एंड द डिस्ट्रक्शन इट कॉज्ड टू अदर कंट्रीज. जर्मनी वॉज हेल्ड लाइबल टू पे वॉर रिपरेशंस फॉर द डैमेज कॉस्ट विच इंक्लूडेड द कॉस्ट ऑफ द रेसिडेंशियल एरियाज, फैक्ट्रीज एंड माइंस डिस्ट्रॉयड बाय द जर्मन आर्मी. द कंट्री वॉज टू पे अ सम ऑफ 66,000 यूरो 66,000 यूरो लैक इन इंस्टॉलमेंट्स टू फ्रांस, बेल्जियम एंड ब्रिटेन. मैनी नोटेड इकोनॉमिस्ट वेयर ऑफ द ओपिनियन दैट दिस सम वॉज बियॉन्ड जर्मनीज कैपेसिटी टू पे. 66,000 लैक यूरो, ठीक है, दे फेल्ट इट वुड क्रिपल द कंट्रीज इकोनॉमिक रिहेबिलिएशन एंड जियोपरेडाइज यूरोपियन इंटरेस्ट. However, the victorious allies did not accept this argument because they had themselves taken loans from America to fight the war and wanted to repay their loans with the compensation they received from Germany. But when it became obvious some years later that Germany would never pay so big an amount, the reparations were reduced to 20,000 lakh euro. ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है ट्रीटी ऑफ वर्सलीस का, वो ये है कि जो जर्मनी है और जो उनके अलाइज थे जिन्होंने वॉर स्टार्ट किया था और डिस्ट्रक्शंस जो थे वो कॉज किए थे बाकी दूसरी कंट्रीज में, उनको पे करना पड़ेगा करीब 66,000 लाख जो है उनको पे करना पड़ेगा एज वॉर डैमेज. ठीक है, जो भी वॉर डैमेज हुआ था रेसिडेंशियल एरियाज में, फैक्ट्रीज में, माइंस में, इन सब का उनको पे करना पड़ेगा. ये 66,000 लाख यूरो जो है वो उनको पे करना पड़ेगा. किसको किसको पे करना पड़ेगा, तो फ्रांस को, बेल्जियम और ब्रिटेन को. बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट थे वो ये जानते थे कि जर्मनी जो है वो इतने बड़े सम अमाउंट को क्या है नहीं पे कर पाएगा. और बहुत सारे जो कंट्रीज थे जो कि क्या हुए थे डैमेज थे उन कंट्रीज ने अमेरिका से वॉर को फाइट करने के लिए लोन लिया हुआ था, तो वो ये चाहते थे कि जो लोन है जैसे ही जर्मनी उनको पैसा देगा तो वो अपने लोन्स को क्या कर देंगे, रीपे कर देंगे. लेकिन कुछ टाइम बाद जब उनको लगा कि जर्मनी इतना पे नहीं कर पाएगा तो जो वॉर का जो अमाउंट था, जो पैसे जो उनको जर्मनी को जो पैसे देने थे वो यहाँ पर कम कर दिया गया और ये 20,000 लाख हो गया था, 20,000 लाख यूरो. सेकेंड पॉइंट, जर्मनी वॉज टू रिटर्न ऑल द टेरिटरी इट हैड एनेक्स्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड फ्रांस. इंडिपेंडेंट स्टेट्स वेयर ऑल्सो एस्टैब्लिश इन ऑल द टेरिटरीज जर्मनी हैड एनेक्स्ड अंडर एन अर्लियर ट्रीटी विद सोवियत रशिया. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है आपका, जर्मनी ने जितनी भी ट्रीटीज जो थी, जितने भी टेरिटरीज जो थे वो कैप्चर किए हैं, वो वापस से उनकी कंट्रीज को वापस
करने थे, ठीक है, जितने भी कंट्रीज उसने कैप्चर की थी उनको वापस करना था, जैसे कि बेल्जियम फ्रांस और इंडिपेंडेंट स्टेट्स वहां पर स्टैब्लिश करने थे सारी टेरिटरीज में जर्मनी के, ठीक है। अब सेकेंड थर्ड पॉइंट है, जर्मनी वॉज टू रिटर्न द एलिस लॉरेन रीजन इट हैड एनेक्स्ड इन 1871 टू फ्रांस, ऑल्सो टू कंपनसेट द डैमेज ऑफ फ्रेंच माइंस, जर्मनी वॉज टू गिव द प्रोडक्शन ऑफ इट्स माइंस इन द सार रीजन टू फ्रांस फॉर 15 ईयर्स। द लीग ऑफ नेशंस वुड एडमिनिस्टर द रीजन ड्यूरिंग दिस टाइम, आफ्टर विच द रेसिडेंट पीपल वुड वोट टू डिसाइड वेदर इट शुड बी मर्ज्ड विद फ्रांस और जर्मनी। जो यहाँ पर थर्ड पॉइंट है वो यहाँ पर ये बोला गया है कि जर्मनी को एलिस एलिस लॉरेन रीजन जो है, जो कि उसने कैप्चर किया था 1871 में, उसको फ्रांस को देना था, और साथ में जो फ्रेंच माइंस थे जो जो डैमेज हो गए थे उसका उनको कंपनसेट करना था, ठीक है। मतलब लॉरेस वो माइंस जो था आपका, लॉरेस एलिस लॉरेन रीजन जो था वो देकर जो फ्रेंच में जो माइंस के डिस्ट्रक्शंस हो गए थे उसको उनको कंपनसेट करना था, और साथ में जो जर्मनी में जो प्रोडक्शन थे माइंस के, जो प्रोडक्शन थे सार रीजन पे, वो भी फ्रांस को देने थे करीब 15 साल के लिए, 15 साल के लिए उनको देने थे, ठीक है। द लीग ऑफ नेशंस वुड एडमिनिस्टर, ठीक है, जो लीग ऑफ नेशंस वो उस वक्त पे फॉर्म हो रहा था वो यहाँ पर एडमिनिस्टर करेगा रीजन उस मतलब 15 साल के अंदर में जो लीग ऑफ नेशंस जो था वो वहां पर एडमिनिस्टर करेगा, और उस ली और 15 साल के बाद में जो वहाँ के जो रेसिडेंट है उनका उनको यहाँ पर वोट देना होगा कि वो डिसाइड करेंगे कि वो किसके साथ में रहना चाह मतलब किसके साथ में मिलना चाहते हैं, या वो फ्रांस के साथ में जाना चाहते हैं या फिर जर्मनी के साथ में। नेक्स्ट है, लार्ज पोर्शन ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जर्मन एम्पायर वॉज सीडेड टू द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कंट्री ऑफ पोलैंड, इट इंक्लूडेड द डेंजिंग कॉरिडोर विच गेव पोलैंड एक्सेस टू द सी। एज अ रिजल्ट द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ जर्मनी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इन दिस वे अराउंड 65,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड वॉज सीडेड बाय जर्मनी टू वेरियस कंट्रीज आफ्टर द वॉर। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है एक एक लार्ज पोर्शन जो था ईस्टर्न पार्ट का जर्मन एम्पायर का, वो पोलैंड के रूप में उनको क्या करना था, एक पोलैंड के रूप में एक अलग कंट्री यहाँ पर बनानी थी, और उसमें साथ में जो डेंजिंग कॉरिडोर है वो भी यहाँ पर पोलैंड में ही इंक्लूड था, जिसकी वजह से पोलैंड को क्या हो गया था, यहाँ पर सी का एक्सेस भी मिल गया था। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो जो ईस्टर्न पार्ट था जर्मनी का वो सेपरेट हो गया बाकी पूरी मतलब पूरी की पूरी कंट्री से, जो ईस्टर्न पार्ट था वो अलग हो गया था। अब यहाँ पर अराउंड 65,000 स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड था वो जर्मनी जर्मनी को क्या है देना पड़ गया था बाकी सारी कंट्रीज को वॉर के अगेंस्ट में, ठीक है। वॉर वॉर जर्मनी की वजह से यहाँ पर मेन जर्मनी की वजह से यहाँ पर वॉर आपका हो रहा था, उनका मानना यही था, तो उनको करीब 65,000 स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड है वो बाकी सारी अदर कंट्रीज को उनको उसको जर्मनी को देना पड़ गया था। सिक्स्थ पॉइंट, जर्मनीज कॉलोनीज इन अफ्रीका वेयर मैंडेटेड टू द लीग ऑफ नेशंस विच हैंडेड ओवर देयर कस्टडी टू ब्रिटेन फ्रांस एंड पोर्टुगल। द चाइनीज टेरिटरी दैट जर्मनी कंट्रोल्ड वॉज ट्रांसफर्ड टू जापान नॉट टू चाइना बिकॉज जापान हैड अपोज्ड जर्मनी इन द वॉर। इन दिस वे द कॉलोनीज दैट जर्मनी हैड एक्वायर्ड इन द 19th सेंचुरी स्लिप्ड आउट ऑफ इट्स हैंड। अब जो जर्मनी की जो कॉलोनीज थी अफ्रीका की वो यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस ने जो है वो ब्रिटेन फ्रांस और पोर्टुगल को दे दी थी, और साथ में जो चाइनीज टेरिटरी थी जर्मनी की जिसको कंट्रोल कर रहा था जर्मनी वो यहाँ पर जापान को दे दी गई थी, चाइना को नहीं, क्योंकि चाइना जो कि क्योंकि जापान जो था वो चाइना के अगेंस्ट में था, जब वॉर हो रहा था तो जापान जो था वो चाइना के अगेंस्ट में था, तो सारी जो चाइनीज टेरिटरी थी वो जापान को यहाँ पर देती गई थी। इस तरीके से जर्मनी ने जितने भी कॉलोनीज जो थी वो एक्वायर की थी 19th सेंचुरी में, वो सारी की सारी क्या हो गई, उसके हाथ से चली गई। नेक्स्ट पॉइंट जो है, देखिए, सेवरल टर्म्स इन द ट्रीटी अफेक्टिवली एंश्योर द डिसआर्ममेंट ऑफ जर्मनी। द जर्मन आर्मी वॉज लिमिटेड टू 1 लाख सोल्जर्स, इट्स आर्मर्ड व्हीकल्स सबमरीन बैटल शिप्स एंड एयरक्राफ्ट वेयर डिसमेंटल्ड। द राइन लैंड बॉर्डरिंग फ्रांस
वेयर डीमिलिटरलाइज्ड एंड द जर्मन आर्मी वॉज फॉरबिडन फ्रॉम एंटरिंग दिस स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी. द ऑब्जेक्टिव वॉज टू एंश्योर दैट जर्मनी कुड नॉट बिल्ड अप द अग्रेसिव कैपेबिलिटी टू वेज वॉर. नेक्स्ट वन, ठीक है देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जर्मनी को यहाँ पर एक मीन्स उनके जो सोल्जर्स उनको लिमिट कर दिया गया था, करीब 1 लाख सोल्जर्स उनको रखने हैं, और जितने भी उनके आर्मर्ड व्हीकल्स थे, सबमरीन्स, बैटल शिप्स, ये सारे जो थे उसको क्या कर दिया गया था, डिसमेंटल कर दिया गया था. जो राइनलैंड बॉर्डरिंग था फ्रांस का, उसको वहाँ पर भी उनको डीमिलिटराइज करने के लिए कह दिया गया था. इस तरीके से वो किसी भी दूसरी टेरिटरी पे क्या एंटर नहीं कर सकता था. इस चीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सारी चीज़ें सोल्जर्स को कम करना, उसके सारे व्हीकल्स को, आर्मर्ड व्हीकल्स को क्या कर देना, डिसमेंटल कर देना. वो ये चाहते थे कि वो दोबारा जर्मनी जो है वो अपना वो वॉर फिर से ना हो कर पाए. वन टर्म ऑफ द ट्रीटी स्पेसिफाइड दैट जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया वुड नॉट मर्ज विदाउट द परमिशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस. अनदर ट्रीटी सेपरेटेड ऑस्ट्रिया एंड हंगरिया एंड द पीपल ऑफ ऑल द सबऑर्डिनेट स्टेट्स ऑफ द एम्पायर वर परमिटेड टू फॉर्म देयर इंडिपेंडेंट कंट्रीज. द वॉर थस अफेक्टेड ऑस्ट्रिया द मोस्ट. इट वॉज लेफ्ट विथ ओनली फार्म लैंड एंड हैड नो अदर सोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. अ लार्ज चंक ऑफ द ऑस्ट्रियन पॉपुलेशन स्पोक जर्मन, सो इट वॉज नेचुरल फॉर द टू कंट्रीज टू सीक टू मर्ज, बट द अलाइड पावर्स प्रिवेंटेड दिस. जो सबसे 8th पॉइंट था यहाँ पर बताया गया है वो ये है कि जो ट्रीटी थी वो स्पेसि मीन्स उन्होंने जर्मनी को, ठीक है, जर्मनी ऑस्ट्रिया को क्या है, मर्ज नहीं होने दिया. ठीक है, मर्ज नहीं होने दिया. और वो ये उन्होंने यहाँ पर ये किया कि विदाउट लीग ऑफ नेशन के परमिशन के वो यहाँ पर जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है वो मर्ज नहीं होगा. एक ट्रीटी जो साइन की गई थी जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया और हंगरी जो था वो क्या हो गया था, अलग हो गया था. और ऑस्ट्रिया के पास में, ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रिया और हंगरिया के अलग होने पर सबसे ज़्यादा तो जो अफेक्टेड अफेक्टेड थी कंट्री वो थी ऑस्ट्रिया, क्योंकि उसके पास में सिर्फ और सिर्फ फार्म लैंड ही थे और बाकी कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ का अदर सोर्स नहीं था. तो ऑस्ट्रियन पॉपुलेशन के बहुत सारे जो लोग थे वो जर्मन स्पीक करते थे, उनकी लैंग्वेज थी जर्मन. तो वो ये चाहते थे कि जर्मन के साथ में क्या हो जाए, वो इंक्लूड हो जाए. लेकिन जो अलाइड पावर्स थे, मीन्स जो यहाँ पर वॉर के साथ वॉर में जो जीत गए थे, जो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जो थे, वो ये नहीं चाहते थे. इसीलिए उनको यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया था, एक ट्रीटी के साथ में अलग कर दिया था, और यहाँ पर विदाउट लीग ऑफ नेशंस के परमिशंस के वो यहाँ पर कंट्री के साथ में मर्ज नहीं कर सकते, ये उन्होंने कहा था. आपका आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग द कंसिक्वेंसेस ऑफ द वर्सलीज ट्रीटी देखेंगे. थैंक यू.